ऑटोमेटिव इंजीनियर्स की पेशेवर सोसाइटी SAE इंडिया ने बहुप्रतीक्षित फ्लैगशिप कार्यक्रम बाहर SAE इंडिया 2024 के आगाज की आज घोषणा करती है। बाहर SAE इंडिया 2024 के वर्चुअल राउंड की मेजबान चितकारा यूनिवर्सिटी द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में SAE इंडिया EEB के चेयरमैन व TERI के प्रतीक्षित फेलो श्री IV राव ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता इस बार 3 चरणों में आयोजित की जाएगी और हर चरण पहले के चरण से ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी होगा। बता दें कि इसमें 164 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं। वर्चुअल राउंड बाहर SAE इंडिया का दूसरा चरण है। यह आयोजन 1 से 3 दिसंबर तक 2023 वर्चुअल राउंड बाहर SAE इंडिया का दूसरा चरण है। यह आयोजन 1 से 3 दिसंबर 2023 तक 3 दिन चलेगा। इसमें वर्चुअल डायनेमिक इवेंट ऑफ मेन्यू वेरिएबिलिटी इवेंट शामिल है जो कि प्रतियोगिता के पहले दिन आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद वर्चुअल डिजाइन इवेल्युएशन इवेंट, कॉस्ट इवेंट और वर्चुअल डायनेमिक ऑल टेरेन परफॉर्मेंसेस इवेंट आयोजित किए जाएंगे। सेमिनार हुआ है मोबिलिटी को लेकर साहब, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो ये एक SAE बाहा सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स और चितकारा यूनिवर्सिटी का एक कहना चाहिए एक सहयोगात्मक वेंचर है, कंपटीशन है ये जो हम लोग हर साल करते हैं। और SAE बाहा एक सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स है और नए तरह के व्हीकल्स किस तरह से डेवलप होते हैं या बच्चों में उसका स्किल बनाती है, तो इस कंपटीशन के जरिए बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक पूरा मोटर व्हीकल किस तरह से बनता है उस स्किल को वो लोग सीखते हैं। कितने बच्चे में पार्टिसिपेट करते हैं? तो इस समय पे तो हमारी यूनिवर्सिटी में कई सारे बच्चे करते हैं, करीब करीब हर साल 15 से 20 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं शुरुआत होने के लिए। फिर कितनी टीमें आगे जाती हैं ये तो कॉम्पिटिशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी 164 टीमें, जैसा कि अभी बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 164 टीमें इस बार शॉर्टलिस्ट हुई हैं इस पर्टिकुलर राउंड के लिए। और मुझे लगता है पूरे देश भर से टीमें ये आती हैं। सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन साउथ की टीमों से होता है, दक्षिण भारत की टीमों से सबसे ज़्यादा होता है, बट साल हर साल ये टीमें बढ़ती जा रही हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसकी में जो मिनिमम एज है वो लास्ट क्या? नहीं, इसमें बस स्टूडेंट होना जरूरी है, किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, नहीं स्कूल स्टूडेंट्स इसमें नहीं है, यूनिवर्सिटी, हाँ कॉलेज स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।